Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Wonderla Amita। आज हम झमाझम बारिश हो रही है तो बाहर ठेले वाले के पास ना जाकर घर में ही तीन तरह से स्वीट कॉर्न बनाएंगे, वो भी एकदम ताज़े भुट्टों से। तो यहाँ पर मैंने 3.5 कप स्वीट कॉर्न के दाने निकाल कर और इनको बॉईल करने रख दिया है और ये 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो मैंने इनको 1/2 कप पानी के साथ बॉईल करने रख दिया है और ये घर में ही ठेले वाले से भी अच्छे हम कॉर्न बनाकर तैयार करेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से चलाकर और इस तरह से ढककर मैंने रख दिया है। अब 6-7 मिनट हो गए हैं तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और ये अच्छी तरह से पक गए हैं और हम इनको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। तो ये अच्छी तरह से पक चुके। अब हम कॉर्न बनाएंगे तो पहले मैं एक बाउल में कॉर्न ले लेती हूँ, इस तरह से गरम गरम। एकदम कॉर्न को एक गरम गरम होना चाहिए जब ही अच्छे से चटपटे ये बनेंगे कि इसमें बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में कॉर्न निकाल लिए हैं और अब इनको मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया है जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पर कर लिया था। अब यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। ठेले वाले बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ना, तो हम भी घर में ऐसे ही बनाकर बारिश में भीगने की बजाय घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि बटर कॉर्न में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए और हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इनको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सर्व करने के लिए निकाल ले रही हूँ। तो देखिए हमारे एकदम गर्मा गर्म और ठेले वाले स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम दूसरी तरह से कॉर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में कॉर्न ले लिए हैं गरम गरम। ये देखिए इनसे कितनी भाप निकल रही है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे हम। नमक डालने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, बटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे ये चटपटे वाले कॉर्न बनाकर तैयार करेंगे। तो इनको भी अच्छे से ये जो बटर डाला है उसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं, मगर ये ऐसे ही बटर के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह से। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर बनाएं इसे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए गरम गरम स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पर हमारे ये दूसरी तरह से चटपटे वाले स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना, एकदम मस्त। अब हम तीसरी तरह से बनाएंगे। तो ये भी हम एक बाउल में ले लेंगे इस तरह से। स्वीट कॉर्न को एक बाउल में लेकर
और अब हम इनमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार जितनी हम तीखी फीकी खाना है, चाट मसाला, नमक और बटर। अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे तीखे वाले स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे। बस हमको एक दो मिनट इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है, जिससे कि बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे ये तीसरे वाले स्वीट कॉर्न भी बनकर तैयार हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरा ये कॉर्न वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।